हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मेटाफिजिकल पोएट्स पर है। मेटाफिजिकल पोएट्स उन पोएट्स को कहा जाता है जो 17th सेंचुरी के लर्नेड और इंटेलेक्चुअल पोएट्स थे। ये पोएट्स फ्लरिश हुए एट द एंड ऑफ एलिजाबेथन एज एंड बिगनिंग ऑफ जैकोबियन एज। एलिजाबेथन एज जब खत्म हुआ था और जैकोबियन एज जब शुरू हुआ था, तब ये पोएट्स फ्लरिश हो रहे थे। इन पोएट्स का मेन टारगेट होता था कि वो अपनी नॉलेज रिगार्डिंग एस्ट्रोनॉमी, नेविगेशन, मैथमेटिक्स, साइंस एक्सेट्रा को शोकेस करें अपनी पोएट्री में। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज मेटाफिजिकल पोएट्स वॉज दैट दे यूज्ड फार फेच्ड मेटाफर्स। ये फार फेच्ड मेटाफर्स का यूज करते थे। फार फेच्ड मेटाफर्स के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं कि मेटाफिजिकल पोएट्स थे कौन। Some of the important metaphysical poets were John Donne. John Donne was the chief exponent of metaphysical poetry. George Herbert, Richard Crawshaw, Andrew Marvell, Henry Vaughan, Abraham Cowley and Traherne. ये important metaphysical poets हैं जो कि far-fetched metaphors का use करते थे। Far-fetched metaphors को conceits भी कहा जाता है। Conceits means comparing of two entirely dissimilar things। ऐसा comparison जिसमें दो different things, बिल्कुल ही different things का comparison होता है। Conceits में भी comparison होता है और simile और metaphors में भी comparison होता है। But simile and metaphors में सिमिलर थिंग्स के बीच कंपैरिजन होता है। फॉर एग्जांपल, हम किसी की ब्रेवरी को अगर लाइन से कंपेयर करते हैं तो वो सिमिलर थिंग्स हैं। अगर हम किसी की सिंगिंग को नाइटिंगेल से कंपेयर करते हैं तो वो भी सिमिलर थिंग है। एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिमिली एंड मेटाफर्स। बट अगर हम दो डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर करते हैं तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंसीट हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, वेलेडिक्शन ऑफ वीपिंग में जॉन डन ने टीयर्स को ग्लोब से कंपेयर किया है। आंसू और ग्लोब में कोई कंपैरिजन, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, बट इसमें कंपैरिजन किया है। अ वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में पेयर ऑफ लवर्स को कंपस की दो लेग से कंपैरिजन किया है। देर इज नो सिमिलैरिटी बिटवीन लवर्स एंड द लेग्स ऑफ द कंपस। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंसीट्स। फ्ली में फ्ली दो लवर्स को बाइट करती है एंड दिस बाइटिंग ऑफ फ्ली ऑफ टू लवर्स is compared with the sexual union of lovers. क्योंकि flea में दोनों का blood mingle हुआ है, इसी वजह से flea को marriage temple भी कहा गया है। So there is no similarity between flea and the marriage temple, but there is a comparison, and these comparison are the examples of conceits. So, ये मेटाफिजिकल पोएट्स इन्हीं कॉन्सीट्स फारफेच्ड मेटाफर्स का अपनी पोएट्री में यूज करते थे। मेटाफिजिकल दो वर्ड से बना है, मेटा और फिजिकल। मेटा मीन्स बियॉन्ड और अबव, फिजिकल मीन्स नेचर या फिर रियलिटी। सो दीज पोएट्स रोट बियॉन्ड रियलिटी, बियॉन्ड अर्थ, बियॉन्ड द पैरामीटर्स ऑफ अर्थ, एंड दे रोट अबाउट स्पिरिचुअल, दे रोट अबाउट सोल। अब हम देखते हैं कि ये मेटाफिजिकल पोएट्स टर्म कैसे कॉइन हुआ। जब ये पोएट राइटिंग्स करते थे, लिखते थे, तब इनका नाम मेटाफिजिकल पोएट्स नहीं था। ये पोएट्स बस एलिजाबेथन एज से बिल्कुल डिफरेंट पोएट्री लिखते थे और ये लर्नेड पोएट थे और इनका मेन टारगेट होता था कि वो अपनी नॉलेज को पोएट्री में दिखाएं। सो देखते हैं कि इनका नाम मेटाफिजिकल पोएट्स कैसे आया। सबसे पहले ड्राइडन ने डन के बारे में कहा, ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। इसमें इन्होंने डन को एक्यूज्ड किया है, कंडेम्ड किया है और कहा है कि, मतलब नेगेटिव क्रिटिकल रिव्यू दिया है और कहा है कि डन की जो राइटिंग्स होती हैं बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इनकी पोएट्री बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। और उन्होंने डन के बारे में कहा, ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। In his book, A Discourse Concerning the Original and Progress of Satire.
डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने सबसे पहले मेटाफिजिकल पोएट्स टर्म दी। इस टर्म को कॉइन किया अपनी बुक लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स में। इन्होंने लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स में 52 पोएट्स के बारे में लिखा था, जिसमें उन्होंने लाइफ ऑफ काउली में ये मेटाफिजिकल पोएट्स टर्म दी। उन्होंने इस चैप्टर में बताया कि अबाउट द बिगनिंग ऑफ 17th सेंचुरी अपीयर्ड अ रेस ऑफ राइटर्स दैट मे बी टर्म्ड एज मेटाफिजिकल पोएट्स। तो उन्होंने कहा कि 17th सेंचुरी में कुछ ऐसे राइटर्स आए थे जिनको मेटाफिजिकल पोएट्स भी कहा जाता था। उन्होंने डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये सब भी बहुत नेगेटिव तरीके से कहा, उनको कंडेम्ड करते हुए, एक्यूज्ड करते हुए कहा। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि उनकी जो ये कंपैरिजन था, डिफरेंट डिसिमिलर थिंग्स का कंपैरिजन था, इट वाज लाइक अ डिस्कॉर्डिया कॉनकोर्स। डिस्कॉर्डिया कॉनकोर्स कहा डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने उनके इस फार फेच्ड मेटाफर्स को। ये डिस्कॉर्डिया कॉनकोर्स एक तरह से एक इटालियन फ्रेज है विच मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिमिलर थिंग्स। तो उन्होंने कहा कि ये इसमें इन्होंने यूनाइट कर रखा है कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट्स का। फॉर एग्जाम्पल, सोल को ड्रॉप ऑफ ड्यू से कंपेयर कर रखा है एंड्रयू मार्वल ने। लव और एस्ट्रोलॉजी का कोई सिमिलैरिटी नहीं है, जबकि कंपैरिजन कर रखा है डन ने। सो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने सबसे पहले मेटाफिजिकल टर्म दी थी अपनी द लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स बुक में, एंड इनमें नेगेटिव तरीके से मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में उन्होंने कहा। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो कि ऑगस्टन एज के राइटर थे, 18th सेंचुरी के राइटर थे, उन्होंने इन 17th सेंचुरी के राइटर्स को कहा द मेटाफिजिकल पोएट्स वर द मेन ऑफ लर्निंग। ये लर्नेड मैन थे, एंड टू शो देयर लर्निंग वॉज देयर होल एंडेवर। तो उन्होंने कहा कि ये बस अपनी लर्निंग ही दिखाते थे, इनका मेन टारगेट ही यही होता था, चाहे पोएट्री अच्छी बने या ना बने, इनका मेन टारगेट था कि अपनी जैसे लर्निंग दिखानी है। एंड उन्होंने ये भी कहा द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज, हेट्रोजीनियस मीन्स बिल्कुल डिफरेंट आइडियाज, आर योक्ड बाय वायलेंस टूगेदर। उन्होंने कहा कि ये जो बिल्कुल डिसिमिलर थिंग्स हैं, इनको यूनाइट कर रखा है, इनको कंपेयर कर रखा है, बट वायलेंट तरीके से, जबरदस्ती इसको यूनाइट कर रखा है। सो 18th सेंचुरी तक, 19th सेंचुरी तक इन मेटाफिजिकल पोएट्स को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वे में देखा जाता था, बट 20th सेंचुरी में इन मेटाफिजिकल पोएट्स, डन, मार्वल, जॉर्ज हर्बर्ट, इन सबको एक रिकॉग्निशन मिली। उन्होंने, टीएस इलियट ने अपने एसे द मेटाफिजिकल पोएट में कहा कि दीस मेटाफिजिकल पोएट्स हैव यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। इनकी पोएट्री में यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी देखने को मिलती है। मतलब यूनिफिकेशन मीन्स फ्यूजन, सो सेंसिबिलिटी मीन्स सेंस ऑफ फीलिंग, सेंस ऑफ थिंकिंग। सो उन्होंने कहा कि इन मेटाफिजिकल पोएट्स में देयर इज अ फ्यूजन ऑफ थॉट एंड फीलिंग। सो अभी तक हमने इनका क्रिटिकल एनालिसिस देखा मेटाफिजिकल पोएट्स का, कि वो सबसे पहले 18th सेंचुरी में इनको रिकॉग्नाइज्ड किया गया कि इनको मेटाफिजिकल पोएट्स कहा जाता है, बट नेगेटिव तरीके में, बट 20th सेंचुरी में जाकर इनको एक पॉजिटिव रिकॉग्निशन मिलता है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेटाफिजिकल कॉन्सीट्स का यूज करना, जो मैंने आपको अभी बताया है, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, वो भी मैंने आपको बताया कि इनमें फ्यूजन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स देखने को मिलती हैं। दैट मीन्स इनकी पोएट्री में थॉट्स भी प्रोवोक होते हैं एंड फीलिंग्स भी प्रोवोक होती हैं। कुछ ऐसी पोएट्रीज होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो थॉट प्रोवोकिंग होती हैं, जो माइंड को प्रोवोक करती हैं, और कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो हार्ट से रिलेटेड होती हैं, फीलिंग से रिलेटेड होती हैं, फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ पिटी, ये सब देती हैं। बट ये मेटाफिजिकल पोएट्स ऐसे थे जो दोनों फीलिंग्स और थॉट्स का फ्यूजन है, जिसमें माइंड भी प्रोवोक होता है, हार्ट भी प्रोवोक होता है।
इनकी जो ओपनिंग होती है एब्रप्ट ओपनिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल डन की कैनोनाइजेशन में जैसे फर्स्ट लाइन है फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, तो इसकी जो ओपनिंग होती है काफी एब्रप्ट होती है और ऐसी ड्रामेटिक ओपनिंग होती है कि आगे पोम पढ़ने का मन करता है. लैंग्वेज कोलोक्वियल लैंग्वेज का यूज होता है, कॉमन लैंग्वेज का यूज होता है, एवरीडे यूज लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव बहुत ही ज्यादा कॉमन लैंग्वेज है. प्लेटोनिक लव को दिखाया जाता है. प्लेटोनिक मीन्स स्पिरिचुअल लव, फिजिकल लव को नहीं बल्कि स्पिरिचुअल लव का एम्फेसिस होता है. देयर इज अ यूनियन ऑफ सोल इन दीज पोइट्री. विट का यूज होता है. विट अब्राहम कोहली ने ओड ऑफ विट भी लिखा है जिसमें उन्होंने विट की डेफिनेशन दी है. और विट का मेनली मीनिंग होता है एबिलिटी टू राइट इन अ क्लेवर एज वेल एज इन अम्यूजिंग वे. वो क्लेवर तरीके से तो लिखते थे, कैसे वो कॉन्सीट्स का यूज कर देते थे, कैसे एक लवर्स को कंपस की दो लेग्स से कंपेयर कर देते थे. इतने क्लेवर तरीके से तो लिखते थे. साथ ही साथ इनकी पोयम बहुत ही ज्यादा अम्यूजिंग भी हुआ करती थी. और इनका जो स्टाइल होता था वो बैरोक स्टाइल होता था. बैरोक मीन्स डेकोरेटिव एंड ऑर्नेटिंग लैंग्वेज यूज करते थे. फॉर एग्जाम्पल दे यूज हाइपरबोल्स, मेटाफर्स, कंसीट्स, आयरनीज, पंस, पैराडॉक्स, इन सब का वो यूज करते थे. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि काफी ये वीडियो बड़ी हो रही है. नेक्स्ट वीडियो में मैं मेटाफिजिकल पोएट्स के हर पोएट को थोड़ा थोड़ा इलैबोरेट करूंगी. सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो ऑन मेटाफिजिकल पोएट्स. थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.